अनुव्रत का एक महत्वपूर्ण घोषणा सूत्र है व्यक्ति का निर्माण। इस आधार पर चलना है कि व्यक्ति का निर्माण करो। व्यक्ति के निर्माण का मतलब व्यक्ति में दो तत्व होते हैं, एक वासना और एक बुद्धि। पशु में वासना होती है, बुद्धि नहीं होती। मनुष्य में वासना भी होती है और बुद्धि भी होती है। यही तो अंतर पड़ता है कि पशु अपनी वासना पर नियंत्रण नहीं कर सकता और मनुष्य अपनी बुद्धि के द्वारा वासना पर नियंत्रण कर सकता है। तो व्यक्ति निर्माण का मतलब कि बुद्धि के द्वारा वासना पर नियंत्रण। बस जिस व्यक्ति ने इतना सीख लिया कि बुद्धि का प्रयोग अपनी वासनाओं के नियंत्रण पर लगे चले, तो वह व्यक्ति का निर्माण शुरू हो गया।